हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिखाए थे जिससे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। आज भी हम ऐसे दो नए मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिससे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों बना सकते हैं। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाएंगे और कीटोन बनाएंगे, फिर हम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन सीखेंगे। तैयार हैं आप? जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाने को रेडी हो जाएं, इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस बंद करें और चूहा मार के खाना भी बंद करें। शुरू करें। यस, माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक मैं कमेंट में आपको थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है? तो आज हमको एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन करनी है और पहले हम करने जा रहे हैं ये काम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? एडिंग लगा ली, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले हम क्या देखेंगे, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका है ये, बाय ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे इन लो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे, इसको आप पायरोलिसिस समझ सकते हो, ठीक है? कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करते हैं, उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर ये जो कह रहे हैं वो करते हैं। तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला मेंबर फॉर्मिक एसिड, HCOOH, मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया। अब ये एसिड है, इसका रिएक्शन एक बेस से करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब भाई एसिड बेस का रिएक्शन बड़ा फेमस, यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से OH माइनस, अब यहां पे दो OH माइनस है तो यहां से दो H प्लस निकलने चाहिए, तो यहां पे दो लगा देंगे, ये वाला H थोड़ी ना निकलता है, यही होता है ना एसिडिक, तो दो लगा दिया, तो यहां से दो H प्लस निकले, यहां से दो OH माइनस, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। एसिड बेस का रिएक्शन, वाटर निकल गया, क्या बचेगा? सॉल्ट। यहां से H प्लस निकलते ही बचेगा HCOO माइनस, कितने हैं? दो, तो होल ट्वाइस, और यहां लिख दो कैल्शियम, बन गया सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो अब कहानी शुरू हुई, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड का पार्ट है, ऐसा होगा ये एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है फॉर्मिक एसिड, ये वाला एच निकल गया है ना। एक और ले लेते हैं मॉलिक्यूल एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एच भी निकल गया है, और दोनों किससे जुड़ गए हैं, कैल्शियम से। तो ये स्ट्रक्चर हुआ कैल्शियम फॉर्मेट का, समझ में आ रहा है? यहां भी एच था, यहां भी एच था, दोनों एच प्लस निकल गए, कैल्शियम से जुड़ गए, दो ओ एच के साथ निकल गए एच प्लस, कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसको हमने हीट किया, या हो सकता हो लिख दे ड्राई डिस्टिलेशन, हीट किया एट हाई टेम्परेचर एट लो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकलेगा, निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालना, जरा ध्यान देखो, CaCO3, क्या निकल गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्या बचा, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, अरे यही तो फॉर्मल्डिहाइड है, बन गया एल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन से हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। नोट करें, पहले हमने लिया फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बना कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर,
HC डबल बॉन्ड OOH होता तो एसिड, H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, यहाँ से OHOH निकल गया, खट खट जुड़ गया। कैल्शियम फॉर्मेट क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या बचा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड। नोट करें इसको, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें, अरे प्रैक्टिस करते हैं, अगला एसिड देखते हैं। ये समझ में आया, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, यहां HH हटा दो, और मतलब एग्जाम में ये तो लिखोगे नहीं सीधा, तो HH हटा दो, कैल्शियम से जोड़ दो, HH हटा के कैल्शियम से जोड़ दो, फिर क्या निकाल दो CaCO3। नोट कर लिया, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला मेंबर तो हो गया फॉर्मिक एसिड, दूसरा कौन सा होता है, एसिटिक एसिड ना, दो कार्बन वाला CH3COOH, रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, OH और H, इसके भी दो मोल्स चाहिए होंगे, दो H दो OH बाहर, टू मोल्स ऑफ H2, क्या बचेगा CH3COO-, CH3COO- का होल ट्वाइस और कैल्शियम। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, तो ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन, तो कैल्शियम एसीटेट, सॉल्ट चाहिए हमको कैल्शियम का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैल्शियम एसीटेट। आओ इसको बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH रहा होगा, ये H हट गया, नीचे भी CH3C डबल बॉन्ड OOH रहा होगा, H भी हट गया, और दोनों ऑक्सीजन किससे जोड़ दो, कैल्शियम से जोड़ दो, फिर यहां लिख दो हीट, या लिखा हो ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, क्या चीज है ये, कैल्शियम एसीटेट, क्या निकालोगे जल्दी से, कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 बाहर, क्या बनने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या मिल गया, एसीटोन, यानी एसिटिक एसिड से मिलता है एसीटोन, और फॉर्मिक एसिड से मिल रहा है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां क्या मिला, एसीटोन। नोट करें, नोट करें, तरीका आना चाहिए, फिर आपको कोई भी हम एसिड दे दे आप बना लो, आपको तरीका आ गया ना कि यस ठीक है सर, ऐसे सॉल्ट बनता है, फिर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, काम खत्म, आ गया। नोट कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसमें हम चेन बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएं, आप कर लोगे, यहां एक कार्बन और हो जाएगा, यहां एक और नया कीटोन बन जाएगा, भाई यही मान लो हम तीन कार्बन कर लेते, तो एक कार्बन यहां लगा होता है क्या, तो क्या होता, और लंबा कीटोन बनता, ठीक है ना। एक काम करते हैं, जरा बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड सब लोग पहचानते हैं, बेंजोइक एसिड सब लोग पहचानते हैं, बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, इसका रिएक्शन कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या होगा, यहां से H+OH- दो मोल्स, -2 मोल्स ऑफ H2O, क्या बचेगा C6H5COO- का होल ट्वाइस, और कैल्शियम प्लस लग जाएगा, क्या बन गया, कैल्शियम बेंजोएट, ये क्या था, बेंजोइक एसिड, ठीक है। कैल्शियम बेंजोएट कैसे बनाओगे, C6H5C डबल बॉन्ड OOH, H हटा दिया, नीचे भी C6H5C डबल बॉन्ड OOH, फिर से हटा दिया, क्या करोगे दोनों O को, ऑक्सीजन से जोड़ दो, क्या बन गया, कैल्शियम बेंजोएट, क्या कर दो, हीट कर दो, या लिख दो ड्राई डिस्टिलेशन, अब बताओ क्या होगा, क्या निकलेगा, टक 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 टक, ये निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो निकाल दिया CaCO3, क्या बचा C6H5 C डबल बॉन्ड OC6H5, ये क्या चीज है, पढ़ा है क्या कभी, C6H5 C डबल बॉन्ड OC6H5, दो तरफ बेंजीन की रिंग,
या इसको हम फिनाइल भी बोल सकते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में, ये रहा C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको आप बोलते हो बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कीटोन है, कीटोन है, दो तरफ इसके फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, या आप बोल सकते हो डाइफिनाइल कीटोन। भाई दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है, फिनाइल का, तो डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन। तो अगर बेंजोइक एसिड मिलता है तो डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन, कीटोन बन जाएगा। एसिटिक एसिड से एसीटोन बना था, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बना था, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसीटोन, और बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल कीटोन। यहां तक तो बड़ा आसान लगता है, नोट करो। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब मजा आएगा जब हम कैल्शियम के दो सॉल्ट्स की मिक्सिंग करेंगे, कैल्शियम के दो सॉल्ट्स की मिक्सिंग करेंगे। मान लो हम कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को मिक्स कर दें, ध्यान से, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी ए ओ सी डबल बॉन्ड एच, पहचान रहे हो क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट है शायद ये, कैल्शियम फॉर्मेट, HCOOH होता तो फॉर्मिक एसिड, HCOH तो फॉर्मिक एसिड, और एक ले लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट CaO C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, पहचान रहे हैं क्या इसको, ये फॉर्मिक एसिड से बना है, ये एसिटिक एसिड से, CH3COH CH3COH HH निकल गया, OHOH निकल गया, यानी ये है कैल्शियम एसीटेट। मिक्सचर में देखो क्या मजा आएगा, हीट कर दिया या ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया, अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलेगा, निकालने का तरीका सीखो इस बार, ए कट 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 ऐसे यहां से काटा ऐसे, 2CA और देखो यहां से CaCO3 ऐसे, देखो CaCO3 और नीचे के लिए CaCO3, फिर से CaCO3 नीचे के लिए CaCO3, ऊपर के लिए CaCO3, नीचे के लिए CaCO3, यानी 2 मोल्स ऑफ CaCO3 निकल गया। अब क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बना, 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, पहली बार आपको एसीटल्डिहाइड का टेस्ट भी मिला। इससे क्या बना था, फॉर्मेल्डिहाइड, सिर्फ इससे क्या बना था, एसीटोन, बेंजीन से क्या बना, बेंजोफिनोन, और दोनों को मिक्स किया तो एसीटल्डिहाइड। हाँ, दिमाग में बातें बहुत चल रही हैं, अभी उसका आंसर देते हैं, पहले नोट करो, अगर मिक्स्ड सॉल्ट या कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट तो कैसे निकालना है, कट 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 CaCO3 CaCO3, 2 मोल्स ऑफ CaCO3, क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी CH3C डबल बॉन्ड OH, एसीटल्डिहाइड के 2 मोल्स। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर जब रिएक्शन होता है तो इसका एक मॉलिक्यूल थोड़ो होगा, ऐसा थोड़ी ना एक मॉलिक्यूल कहीं से टकरा देंगे, यहां डब्बे में भर भर के मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो क्या पता ये अपना ही ड्राई डिस्टिलेशन करें, बात समझो, क्या पता ये यहां इसी मॉलिक्यूल से CaCO3 निकल जाए, सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन करने लगे, इसके साथ रिएक्ट ना करें, भाई हजारों मॉलिक्यूल है, ये अपना रिएक्शन, ये अपना रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल कह रहे हैं अपने में से CaCO3 निकालेंगे, कुछ ने कहा हम भी CaCO3 निकालेंगे, कुछ ने कहा साथ में निकालेंगे, जो साथ में निकाले वहां से ये बना, पर जो इंडिविजुअल इसके अंदर ड्राई डिस्टिलेशन चल रहा होगा उसके प्रोडक्ट भी तो बनेंगे। यहां से CaCO3 निकल गया, क्या बचा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बनेगा साइड प्रोडक्ट्स में, यहां से CA, ध्यान से CaCO3
CaCO3 निकल गया, क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। देखो CaCO3 निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्या बन गया? Acetone। तो जब भी आपको मिक्स्ड सॉल्ट्स दे तब प्रोडक्ट अच्छी यील्ड में नहीं बनेगा, यानी इस प्रोसेस से एसिटल्डिहाइड बढ़िया यील्ड में नहीं मिलेगा। यहां पे इसकी यील्ड को हम लिखेंगे इट विल हैव अ पुअर यील्ड, इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। इनका सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन, इनका भी सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन होता रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स अपने में से ही CaCO3 निकाल के फॉर्मेल्डिहाइड, अपने में से ही CaCO3 निकाल के एसीटोन, कुछ होंगे जो आपस में रिएक्ट करके इस तरह से निकालकर एसीटोन। तो जब भी मिक्स्ड सॉल्ट मिलेगा तो यील्ड कैसी होगी? पुअर होगी। करने का तरीका आ गया, खुद में से CaCO3 निकालो, खुद में से निकालो और एक बार मिक्स करके 2 moles of CaCO3 एसिटल्डिहाइड इस मेथड से अच्छे अमाउंट में बनाना इम्पॉसिबल है। नोट करें, छाप लिया। एक सवाल करेंगे पक्का, प्रॉमिस मैं दूं। चलो नोट कर लिया है, मिटा दें, पॉज करके नोट कर लो। आओ अब एक सवाल खुद से करके देखो। सारे प्रोडक्ट्स बना लेना पॉज करके, उसके बाद मेरा आंसर देखना फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है? वीडियो पर ऐसे करके ऐसे बड़ा बड़ा के देख लेना भले ही। तो क्वेश्चन है आपके पास ABCDE, क्वेश्चन है आपके पास कि मान लो हमसे देता है कि कैल्शियम बेंजोइड है मेरे पास C6H5C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस CA, और मेरे पास कैल्शियम फॉर्मेट है HCOO होल ट्वाइस CA, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन है। राइट ऑल द प्रोडक्ट्स, एक मिक्स वाला एक सिंगल वाला। पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, पॉज करो, ट्राई करो, मजा आएगा। पॉज करो, ट्राई करो, हो गया। मैं शुरू करूं, 3 products बन गए हैं। चलो पहला C6H5C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O C6H5 कैल्शियम बेंजोएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H हीट। ये क्या है? कैल्शियम बेंजोएट। कहां लिखूं? यहां लिखता हूं कैल्शियम बेंजोएट, और ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। अरे ये फॉर्मिक एसिड है ना, HCOH। सबसे पहले तो मिक्स वाला ये होगा CaCO3 CaCO3, 2 moles ऑफ CaCO3 प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OH C6H5 C डबल बॉन्ड OH। क्या चीज है ये? अरे बोलो भाई क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। देखो ना C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये तो लिखा है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो बेंजल्डिहाइड, क्या बेंजल्डिहाइड की यील्ड अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। कैसी यील्ड होगी? पुअर यील्ड होगी। फॉर्मेल्डिहाइड की यील्ड अच्छी थी, एसीटोन की यील्ड अच्छी थी, बेंजोफिनोन की अच्छी थी, पर एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड की पुअर यील्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन भी कर रहे होंगे, अपने अंदर ही रिएक्शन कर लेंगे। यहां से क्या निकलेगा? CaCO3 क्या बन जाएगा? CaCO3 क्या बचेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोफिनोन। क्या बना लिया इसने? बेंजोफिनोन, जिसको आप डाइफिनाइल कीटोन भी बोलते हो। यहां से क्या होगा? CaCO3 क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH, यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी आपको मिक्स्ड सॉल्ट मिलेगा तब पुअर यील्ड होगी किसी भी एक प्रोडक्ट की बिकॉज ऑफ वेरियस रिएक्शन गोइंग साइड बाय साइड, इनका खुद का ड्राई डिस्टिलेशन, इनका खुद का और मिक्सचर। कर लिया था खुद से तो बहुत बहुत बधाई हो, नहीं कर पाए थे तो चारों को एक बार फिर से, पांचों क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के। आ गया, क्लियर है? आ गया है? मैं आगे बढ़ जाऊं?
मिक्स्ड वाले में कैसे निकालना है, खच 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 बना लो खच 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 ऐसे, और सिंगल वाले में कैसे निकालना है, यहीं से CaCO3 मिटा दें। चलो तो हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की यील्ड कोई खास यहां से हमें नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड मेथड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही दूसरा मेथड है बाय कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब क्या करेंगे हम, कैटालिटिकली डीकंपोज करेंगे, कैटलिस्ट होगा मैंगनीज ऑक्साइड MnO, तो हम क्या करेंगे, वी विल पास वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर MnO एट 575 केल्विन। ये भी एक मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। पहला मेथड बहुत फेमस है आपका कैल्शियम सॉल्ट वाला, ड्राई डिस्टिलेशन वाला, उसमें दिक्कत यह है कि मिक्सचर लाने पे काम नहीं बनता। दूसरा मेथड यह है कि MnO के ऊपर पास करो वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, सबसे प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड अपना सबसे पहला फॉर्मिक एसिड HCOOH, हमने इसको पास किया ओवर MnO एट 575 केल्विन। हमने देखा क्या बना, हमने देखा बना यहां पे हाफ मोल CO2, हाफ मोल H2O और हमें मिला हाफ मोल फॉर्मेल्डिहाइड, ये बन के आया। ठीक है, ऐसा चाहो हाफ 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 लिखो, चाहो तो यहां पे 2 लिख लो, है ना, बैलेंस हो जाएगा और प्यार से, चाहो तो ऐसे लिख लो बेटर है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना, देखो देखते हैं HCOOH, इसके बगल में लिख लो फिर से HCOOH, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। एरो के ऊपर MnO एट 575 केल्विन, ध्यान से ये निकला H2O, ये निकला CO2, इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लो, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ देते। ये निकला वाटर, ये निकला CO2, तो निकल गया H2O, ऐसे लिख देते हैं, निकल गया CO2, निकल गया H2O। अब देखो क्या बचा, HCOH यानी HC डबल बॉन्ड OH, क्या बना लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब एग्जाम में ऐसे 2 मोल्स करके लिखेगा नहीं, है ना, इतना आपको थोड़ी ना प्यार से देगा सवाल, एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे दे देगा कि HCOOH, एरो के ऊपर लिख देगा MnO। अब उनका बहुत मन किया तो टेम्परेचर लिख देंगे, वरना टेम्परेचर भी गायब कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड। वहां पर भी देखो पहले वाले मेथड में भी ड्राई डिस्टिलेशन में फॉर्मिक एसिड से क्या बना था, कैल्शियम फॉर्मेट और उससे फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, चलो एसिटिक एसिड उठा लेते हैं, एसिटिक एसिड 2 मोल्स ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया MnO 575 केल्विन, क्या निकलेगा CO2 H2O और बनेगा एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3। वहां पे भी यही हुआ था कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, यहां भी एसिटिक एसिड से एसीटोन। कैसे करोगे इसको, देखो CH3COOH प्लस ऐसे लिख लो HOOCCH3, ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH MnO at 575 केल्विन। देखो दिक्कत नहीं है, वहां फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम फॉर्मेट बनने के बाद, यहां भी फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसीटोन बना था कैल्शियम एसिटेट के बाद, एसिटिक एसिड से एसीटोन। कैसे आओ देखें, यहां से निकालोगे पहले CO2, फिर यहां से निकालोगे H2O, CO2 प्लस H2O, क्या बचा देखो CH3COCH3 क्या बन गया, एसीटोन। नोट कर लें,
क्लियर है, नोट करें इसको। फिर इसमें भी हम मिक्स करते हैं, इसमें भी मिलाते हैं दोनों को। आइए अब इसमें मिक्सचर देखते हैं हम लोग दो एसिड का, नोट कर लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों एसिड को मिला देते हैं। तो हमने दोनों एसिड को मान लो मिला दिया यहां पे, CH3COOH प्लस HCOOH, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड MnO एट 575 के। क्या होगा, यहां से निकला CO2, यहां से निकला H2O, CO2 प्लस H2O, और क्या बनेगा CH3COH, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। वहां पे भी जब हमने मिक्सचर देखा था कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का, तो बना था एसिटल्डिहाइड। यहां पे भी सेम चीज है, हमने एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर लिया CO2 H2O CH3COH। अब यहां पे भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है कि इसकी यील्ड कैसी होगी, पुअर यील्ड होगी। क्यों पुअर यील्ड होगी, क्योंकि डब्बे में इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसके अनंत मॉलिक्यूल, इसके भी अनंत मॉलिक्यूल, यानी इसका एक मॉलिक्यूल खुद ही से रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाफ मोल CO2 हाफ मोल H2O प्लस बोलो 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 हाफ मोल CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कह सकते हैं ये खुद भी डिकम्पोज कर सकता है और ये भी खुद डिकम्पोज कर सकता है, ये क्या बनाएगा, हाफ मोल CO2 हाफ मोल H2O प्लस हाफ मोल HC डबल बॉन्ड OH, यानी यहां पे एसीटोन भी बनेगा, इससे फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा और दोनों के मिक्सचर से एसिटल्डिहाइड भी। तो यहां पे भी एसिटल्डिहाइड बनाना फेवरेबल नहीं होगा। क्लियर है क्यों नहीं होगा, अगर आपसे पूछे टोटल कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं तो एसिटल्डिहाइड भी फॉर्मेल्डिहाइड भी एसीटोन भी सब बन जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए तो ये दो मेथड थे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। आगे कैसे करेंगे एग्जाम में, मान लो एग्जाम में सवाल दे देते हैं ए बी सी, एग्जाम में ऐसे आएगा एच सी ओ ओ एच ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ए, फिर लिख देगा हीटेड बना बी। दूसरा सवाल देखो ऐसे लिख देगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच एरो के ऊपर एम एन ओ 575 केल्विन बना ए, मेन प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वगैरह नहीं। और यहाँ पे मान लो आपको लिख के दे देगा C6H5COOH, एरो के ऊपर लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला ए, फिर हीट कर दिया बना बी। बताओ सारे प्रोडक्ट, पॉज करके ट्राई करो, देखो आपने कितना सीखा, पॉज करके ट्राई करो, देखो आपने कितना सीखा, बना पा रहे हैं कि नहीं आप, पॉज करके ट्राई करो, हो गया पॉज करके। यहां से क्या बनेगा, ए में कैल्शियम फॉर्मेट, इसका ये क्या बनेगा, ए बनेगा सी ए, ये बनेगा एच सी ओ ओ होल ट्वाइस कैल्शियम। बी क्या बनेगा, बी बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, सी ए सी ओ थ्री निकाल दोगे, है ना, यहां बाहर क्या निकलेगा सी ए सी ओ थ्री। यहां भी क्या बनेगा बोलो, यहाँ इसके आप क्या करोगे, अपने आप मन में अज्यूम कर लोगे कि इसके दो मोल्स हैं, दो मोल से CO2 H2O निकाल दोगे, क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है कि नहीं, मन में अज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे एक और CH3 COH रखा है, इससे CO2 निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया, क्या बचा CH3 CO CH3। यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या बनेगा, कैल्शियम बेंजोइड बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस CA, और फिर क्या होगा इसमें से क्या निकल जाएगा CaCO3 बेंजोफिनोन बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। कर लिया, इसमें से CaCO3 निकालना आपको आता है, स्ट्रक्चर बना के कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, सेकंड मेथड आज का। पहले हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया, अब हम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट से बनाएंगे। फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, सब लोग ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट याद रखे हैं,
Grignard's reagent. याद है सबको? RMGX. R क्या होता है? कोई alkyl group. X क्या होता है? कोई halogen. अच्छा, इसमें भी हम पहले करेंगे using nitriles. Using nitriles. Nitriles याद है? Cyanides. C triple bond N जो group होता था, उसको use करेंगे. सीधा एक example लेंगे, एकदम बढ़िया से clear होगा. क्या करना है आपको? कोई साइनाइड या नाइट्राइल जो कह लो, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो. जैसे हम उठा लेते हैं HC triple bond N, ठीक है, साइनाइड फैमिली का पहला मेंबर, मीथेन नाइट्राइल, इसको नॉर्मल भाषा में हाइड्रोजन साइनाइड बोलोगे आप, है ना सर? HCN तो हाइड्रोजन साइनाइड, इसी को आप मीथेन नाइट्राइल बोल सकते हो. मीथेन नाइट्राइल, इसको मिथाइल साइनाइड मत बोलना, गलत हो जाएगा. मिथाइल साइनाइड का मतलब एक मिथाइल ग्रुप फिर साइनाइड ग्रुप. नेमिंग में ध्यान रखना, एक कार्बन मेथ. नाइट्राइल में क्या होता है ना कि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो जाता है. कुछ बातें समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है? नाइट्राइल में क्या होता है, ये कार्बन काउंट हो गया, मिथेन और नाइट्राइल. मिथाइल नाइट्राइल का मतलब एक मिथाइल भी और एक नाइट्राइल, वो गलत हो जाएगा. मिथाइल साइनाइड का मतलब मिथाइल और साइनाइड. तो हाइड्रोजन साइनाइड या मिथेन नाइट्राइल, इसका ट्रीटमेंट कर दो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, अपनी पसंद का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मर्जी अनुसार. जैसे मैंने CH3MgBr उठा लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अरे कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा इसको देख के. क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पोलर होता है ना. यहाँ नीचे क्या लिख दोगे? ड्राई ईथर. सॉल्वेंट हम कौन सा लेते हैं हमेशा? ड्राई ईथर. चलो इसको प्यार से लिखते हैं, ऐसे ही गंदगी से, ऐसे लिख लो CH3MgBr और यहां लिख लेते हैं एरो के ऊपर ड्राई ईथर. हाँ, अब बोलो क्या करना है हमें. आपको पता है यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बॉन्ड हमेशा ऐसे तोड़ा जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आएगा और अल्काइल ग्रुप के ऊपर माइनस. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बॉन्ड मैंने हमेशा ऐसे तोड़ा है, यहां प्लस और यहां माइनस. अच्छा, अब ये जो माइनस है इसे चाहिए क्या? पॉजिटिव चार्ज. यहां पॉजिटिव चार्ज कहां हो सकता है? देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ खिसकेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस. तो पहले ये अल्काइल ग्रुप आके कार्बन पे अटैच हुआ, HC CH3 डबल बॉन्ड N-. बोलो बात समझ में है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के पास, कार्बन पे प्लस आया. पहले ये अल्काइल ग्रुप आके यहां अटैच हुआ, उसके पश्चात ये MgBr आके N पे लगा. पहले अटैक किसका हुआ याद रखना? इसका पहले अटैक हुआ, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है. ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का. पहले न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर, पहले ये अटैक करता है तब इलेक्ट्रोफाइल. ये हो गया, हाइड्रोलिसिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है. HOH एसिडिक मीडियम में डाल दो, बस ये बात समझ में आएगी. अरे दोनों ही अटैक करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, बॉन्ड यहीं से टूटता है आपको पता है. मैग्नीशियम मेटालिक है तो प्लस, ये नॉन मेटल है तो माइनस. अब ये यहां पे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, माइनस के ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस के ऊपर माइनस. पर याद रखना कि पहले ये अटैक करेगा देन ये, यही बता रहे, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अच्छा यहां पे आओ, अब क्या होगा? अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये मेटालिक है ये नॉन मेटालिक है, तो यहां से इस पे प्लस आ रहा है, इस पे माइनस आ रहा है, और यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, कुछ नहीं प्लस माइनस जोड़ना है बस. HC CH3 डबल बॉन्ड N, N पे माइनस, H पे प्लस, जोड़ दो, क्या निकला? MgBr पे प्लस और OH, यानी Mg से Br लगा है और Mg पे प्लस और उससे क्या जुड़ जाएगा? OH, ठीक है. हाइड्रोऑक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम चाहो तो लिख लो यार, कोई मतलब नहीं है. हाइड्रोऑक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बोलो बात समझ में आई कि टेंशन हो रहा भाई? मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बोल सकते हो मिथेन नाइट्राइल, इसका रिएक्शन करा दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से. मैंने कहा हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां से थोड़ा करो, मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, मेटालिक यहां माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस पे प्लस जुड़ गया, प्लस पे माइनस जुड़ गया. नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, ये H प्लस जाके नाइट्रोजन से लग जाएगा और MgBr OH के साथ निकल गया. इसका हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू रखें, अभी इसको छोड़े ना, इसका और हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH एसिडिक मीडियम में.
अब क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा डबल बॉन्ड के। जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, प्लस और माइनस जोड़ दो HCN। अब देखो H प्लस जाके नाइट्रोजन से लग जाएगा तो NH2 माइनस खत्म, और C से जुड़ जाएगा OH, C पे से प्लस चार्ज खत्म, CH3। बोलो यहां तक समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, H प्लस जाकर नाइट्रोजन से जुड़ गया NH2, C पे प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के जाते तो OH आके इससे लग गया। अब देखो ये जो NH2 होता है इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, है ना। देखो अपना प्रोडक्ट क्या बनना है ये भी ध्यान रखो, एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने हमेशा बोला है कि प्रोडक्ट पहले बनता है, रिएक्शन पहले होता है, मैकेनिज्म बाद में बताया जाता है। तो अब मैकेनिज्म में बोला गया कि क्योंकि NH2- बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, क्योंकि NH2- बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है तो NH2 यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बोला हम चले। कार्बन का भैया हमारा क्या होगा, तीन ही बॉन्ड बचे हमारे पास, तुम चौथा बॉन्ड लेके जा रहे हो। तो हाइड्रोजन ने कहा NH2- से तो हम जुड़ सकते हैं, H प्लस जाके जुड़ जाएगा, इससे NH3 बन जाएगा। इसने कहा कि हम ये इलेक्ट्रॉन आपको देकर जा रहे हैं, आप खुश रहो। देखो पहले ये यहां से निकलना चाहा NH2- के फॉर्म में, कार्बन ने कहा भैया हमारा एक बॉन्ड कम, एच ने कहा कोई टेंशन नहीं हमारे इलेक्ट्रॉन लो, हम एच प्लस बन के इनसे जुड़ जाएंगे। तो एच प्लस NH2- से जुड़ गया, क्या निकल गया NH3, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, बना HC डबल बॉन्ड OCH3 एसिटाल्डिहाइड। इसी की तो दिक्कत थी पिछले मेथड में, बन ही नहीं रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया नाइट्राइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। पिछली बार एसिटाल्डिहाइड बन ही नहीं रहा था, ना कैल्शियम सॉल्ट से बन रहा था, ना मैंगनीज ऑक्साइड के साथ डिकम्पोज करने पे, बढ़िया बन गया बड़े आसानी से। मैकेनिज्म नोट कर ले, अरे अभी प्रैक्टिस कराएंगे तीन चार, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो एक है ना मिथेन नाइट्राइड, अभी दूसरा लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस दो बार किया, ऐसे समझ सकते हो यहां से सीधा 2 moles of H2O लगा दो, एक स्टेप में भी कर सकते हो, यहां से ऐसे देखो 2 moles of H2O, इतना झामधाम करने की जरूरत ही नहीं है, 2 moles of H2O, NH के N के साथ 2H निकाल दो, 3H निकाल दो, क्या निकल गया NH3, 2 moles of H2O यानी HOH, 3H भाग गया, क्या बचा आपके पास HOH, 3H भाग गया आपके पास, क्या बचा, अरे ऐसे लिख लो, देखो 2 moles of H2O, HOH, 3H भाग गया, 1, 2, 3, आपके पास क्या बचा, OH बचा, तो OH को जोड़ दो MG से, MgBrOH, और क्या बचा, एक O बचा, O जोड़ दो इससे, HC डबल बॉन्ड O, सीधा भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, 2 water के मोल्स ले लो, HOH, मैंने कहा 3H पहले निकाल दो नाइट्रोजन के साथ, NH3 निकल गया, क्या बचा, OH बचा, OH निकाल दो इसके साथ, MgBrOH, क्या बचा, एक O बचा, इससे लगा दो, सीधा प्रोडक्ट। आगे बात, चलो एक और कराते हैं, पहले नोट करें इसको, पूरा मैकेनिज्म नोट करना, पता चला वही छाप लिए, ऐसा शॉर्टकट मिटा रहे, सर आपने पहले मिटा दिया तो पीछे आप जाके इसको नोट कर सकते हो, कोई टेंशन थोड़ी ना कोचिंग वाली। हाँ आओ बी, अब हम लेते हैं इथेन नाइट्राइड CH3C(NH3)। ये हो गया इथेन नाइट्राइड, इसको आप बोल सकते हो मिथाइल साइनाइड। देखो मिथाइल और साइनाइड अलग अलग, इसका एक नाम और बहुत फेमस है वो है एसीटोनाइट्राइल, लिख लो काम आएगा आगे, एसीटोनाइट्राइल, इसको एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं, इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल। किससे रिएक्शन कराएं तुम ही बता दो, इससे करा दें फिर से, चलो इससे कराते हैं CH3MgI, वैसे ही दिखने वाला है CH3MgI। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, यहाँ लगा दो ड्राई इथर। अब बोलो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, पहले कौन अटैक करेगा, CH3-, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3C, एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड एन पे माइनस। बोलो समझ में आया, इलेक्ट्रॉन इधर घूमे, इस पे प्लस आया, CH3- अटैक किया, एन पे माइनस, उससे आगे जुड़ गया, क्या बन गया MgI। अब हाइड्रोलिसिस क्या जोड़ दो, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक मीडियम है,
H plus OH minus, ये bond यहाँ से break होगा, इसमें plus इसमें minus, MgI के साथ ये निकल जाएगा, देखो Mg पे plus है, OH पे minus है, hydroxyl magnesium iodide, लिख लेना, इधर से क्या बचा, N पे minus और H पे plus, CH3, double bond NH, N पे minus, H पे plus, फिर से क्या करेंगे इसका, hydrolysis, H plus, OH minus, क्या करेंगे इस बॉन्ड को यहां घुमा दो इस पे माइनस इस पे प्लस H प्लस जुड़ जाएगा किससे H प्लस जुड़ जाएगा N से OH माइनस जुड़ जाएगा कार्बन से तो CH3COH देखो C पे प्लस आया OH माइनस जाके जुड़ गया और NH पे माइनस आ रहा था तो ये जाके जुड़ गया नीचे क्या लगा है CH नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा NH2 माइनस वेरी गुड लीविंग ग्रुप आई एम गोइंग कार्बन नो नो डोंट गो Hydrogen said, don't worry, I give electron, you happy, we happy, I go to NH2. समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ से बाहर निकलना चाहा, कार्बन निकाले भाई, तीन बॉन्ड, इसमें कोई बात नहीं, ले इलेक्ट्रॉन, और H plus निकल गया, NH2 के साथ. यहाँ से NH2 minus, hydrogen electron देकर आया आपने, तो H plus, अरे भाई आ गया. Hydrogen electron दिए, oxygen ने दिए, carbon को, समझ में आया? तो hydrogen electron दिए, H plus निकला, ये electron लेके गया, NH2 minus, NH3. और ये बॉन्ड यहां बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 फाइनल प्रोडक्ट इज एसीटोन क्लियर है यहीं से आप दोनों स्टेप को हटा के एक स्टेप में यहां से 2 मोल्स ऑफ HOH लेके हाइड्रोलिसिस कर दो सीधा HOH पहले क्या निकाल दो 3H 1 2 3 3H के साथ N NH3 फिर OH इसके साथ MgIOH क्या बचा एक O इसमें जोड़ दो CH3, C double bond O, CH3, ठीक? तो एग्जाम में आप सीधा यहाँ पे 2 moles of H2O लगा के, 1, 2, 3 H दे दो नाइट्रोजन को, NH3 बाहर, OH को उठा के दे दो, OH को उठा के दे दो इसको, और एक O बचा, वो लगा दो इसपे, ये मैकेनिज्म फॉलो करो बेटर देखो, बोलो आ गया, ठीक है? तो अब याद करने की जरूरत नहीं है आपको प्रोसेस आ रहा है तो आप कर ले जाओगे यहां के आगे समझ लेना कि इस पे आके ऑक्सीजन लगाना है बाकी सब छोड़ दो इस कार्य डबल बॉन्ड को हटा के यहां पे यहां से डबल बॉन्ड तोड़ के यहां पे ऑक्सीजन लगा देना और नाइट्रोजन पे H3 लगा देना खत्म रिएक्शन यही तो करना है यहां से इसको तोड़ो इसको ऑक्सीजन दे दो इसको H3 दे दो कब खेल खत्म और इसको क्या दे दो OH- खेल यहीं खत्म हो जाएगा चलिए अगला रिएक्शन करें ये प्रोसेस तो सेम होगा ना सब में चलिए नेक्स्ट देखते हैं चलो भाई तो मीथेन नाइट्राइल हो गया इथेन नाइट्राइल हो गया अब ले लेते हैं बेंजो नाइट्राइल C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N बेंजो नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड से उठा लो कुछ भी CH3MgBr C2H5 भी उठा सकते हो C6H5 भी उठा सकते हो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कोई दिक्कत नहीं है यहां पे राइट चल जल्दी करो अपने आप किया फाइनल प्रोडक्ट बता दो कटाक्ष से फाइनल प्रोडक्ट बताओ कटाक्ष से कम ऑन खुद से करना है हो गया क्या बन रहा है एसीटोफिनोन एसीटोफिनोन बन रहा है चलो यहां से थोड़ा इस पे प्लस इस पे माइनस इसमें माइनस इसमें प्लस सी सी पे प्लस पहले ये जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल आके तो इससे जाके जुड़ गया CH3 डबल बॉन्ड N N पे हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन अब N पे माइनस इससे जुड़ गया MgBr ठीक है अब इसके बाद क्या करना है आपको 2 मोल्स ऑफ H2O लगा दें सीधा 2 मोल्स ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ क्या करोगे ये बॉन्ड तोड़ के यहां पे O दे दो यहां पे H3 दे दो यहां पे OH दे दो 2 मोल्स ऑफ H2O खत्म हो गए यहां पे O दे दो यहां पे H3 दे दो यहां पे OH दे दो खेल खत्म देखो क्या बन जाएगा यहां से कच चलो मैं इधर बनाता हूं उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस कर लेंगे कच क्या बन गया CCH3 और यहां पे क्या दे दिया है डबल बॉन्ड एसीटोफिनोन बन गया और क्या निकल जाएगा NH3 और क्या निकल जाएगा MgBrOH बोलो सबको आ गया एक बॉन्ड तोड़ जाना तोड़ के यहां पे वो लगा दो यहां C लगा दो यहां OH कैसे करना है इसको
मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे माइनस, क्या निकल जाएगा MgBrOH हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा N पे माइनस है उससे H जुड़ जाएगा CH3C खच 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 डबल बॉन्ड NH, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक मीडियम, ये बॉन्ड यहाँ घुमाया इस पे माइनस इस पे प्लस, H प्लस जुड़ जाएगा N से, OH माइनस जुड़ जाएगा C से, CH3COH NH2 नीचे लगी है बेंजीन की रिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बोलेगा हम चले चले चले, कार्बन ने कहा मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन ने कहा हमसे इलेक्ट्रॉन ले लेना, H प्लस निकला NH2 के साथ माइनस NH3 CH3C, यहाँ पे बन गया एक और बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ी है बेंजीन की रिंग, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ी है बेंजीन की रिंग, क्या बन गया एसिटोफिनोल। तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ बॉन्ड तोड़ो, इस पे O लगाओ, इस पे H3 लगाओ और इस पे OH लगाओ, ठीक है, अदरवाइज मैकेनिज्म तो आपको पता ही चल गया। यहाँ पे तो सिर्फ ये स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में ठीक है आ गया, ये आपको नाइट्राइल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना, इससे एसिड एल्डिहाइड भी बन रहा है, इससे एसिटोफिनोन भी बन रहा है, है ना, इससे आपका एसीटोन भी बना था, कर लेंगे ये अब, एक करेंगे अपने आप, देख तैयार, इसको छाप लो, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट खुद से, चलो मैं दे रहा हूं, चलो रेडी हैं आप, ओके चलो सीधा फाइनल प्रोडक्ट बताना है इसका, डी क्वेश्चन इज CH3C(NH+) प्लस C6H5MgBr, एरो के ऊपर आपका यहां से बना ए ड्राई ईथर और फिर बी इसका हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, वो टू लिखेगा नहीं एग्जाम में, मैं लिख दे रहा हूं भले एग्जाम में सिर्फ H2 लिखेगा, बताओ चुटकियों में होना चाहिए खटाक से एकदम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेंजाइल नहीं बोलते, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, क्या कर रहे हो यार इतना आसान सा है, क्या करोगे, ये बॉन्ड यहां घुमाया इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से थोड़ा इस पे प्लस इस पे माइनस, अब बोलो क्या जुड़ जाएगा, कहां बन जाएगा ये ए, क्या बनेगा CH3C, पहले ये जाके इससे जुड़ेगा C6H5 डबल बॉन्ड एन पे माइनस, एन से कौन जुड़ जाएगा MgBr, लो ये तो बन गया, अब क्या बोल रहे हैं 2 moles ऑफ H2O लगा दिया, 2 moles ऑफ H2O, 2 moles ऑफ H2O यानी HOH HOH क्या यूज करो, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन को उठा के H के साथ लगा दो, इस OH को उठा के इसके साथ लगा दो और इस O को उठा के इसके साथ लगा दो, क्या क्या निकल गया NH3, यहां से क्या निकल जाएगा MgBrOH, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या बन गया फिर से एसिटोफिनोल, अरे C6H5 यही तो होता है, बोलो आ गया, कर लोगे अब इसका क्वेश्चन, सबने कर लिया था मेरी उम्मीद है, सबने कर लिया होगा, कर लिया था तो कमेंट में लिखें यस यस यस, नहीं किया था तो कुछ नहीं तब भी यस लिख सकते हो, कौन दिख रहा है सर, हो गया, चलिए हम मान के चलते हैं आपको इतना आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, अच्छा अब ग्रिग्नार्ड एजेंट से ही करेंगे बट नाइट्राइल का इस्तेमाल ना करके हम एस्टर का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग एस्टर्स अब यहां पे हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ हाइड्रोलिसिस, देखो क्या करना है, एस्टर उठा लो कोई, मैंने उठा लिया ए, चलो एक एस्टर उठाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं बढ़िया समझ में आएगा, एस्टर की नेमिंग याद है, इसको बोलते हैं एल्काइल, इसको बोलते हैं एल्केनोएट, यहां तक आ गए हो केमिस्ट्री में तो ये सब आ गया होगा आपको, एल्काइल और एल्केनोएट, एल्काइल और एल्केनोएट, दो कार्बन का एल्काइल मतलब इथाइल,
दो कार्बन यानी इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इसको आप इथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये एसीटेट ग्रुप, तो इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, ये हो गया इथाइल और ये हो गया एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट भी लिखा हो सकता है, इथाइल इथेनोएट भी, कुछ नहीं करो ग्रिग्नार्ड इंटीग्रेट करा दो CH3MgBr, यहां पे C2H5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चलो ड्राइथर, ड्राइथर, चलो जल्दी से बताओ, यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस बार ये डबल पाई बॉन्ड है, यहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी तरफ, सब बताने की बात है क्या, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां से ब्रेक होगा Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस, पहले कौन जाएगा CH3 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, और C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल जिसमें माइनस वाला पहले अटैक करे, इसको क्या पसंद है, प्लस चार्ज न्यूक्लियस, खैर एनीवेज, तो ये गया अटैक करने, आई नो यू डोंट केयर, CH3 C, C पे प्लस, कौन जुड़ा आके नीचे CH3, और O पे माइनस, O पे माइनस रह गया, तो O पे माइनस से कौन जुड़ जाएगा दूसरी बार MgBr, ये नेक्स्ट स्टेप में जुड़ा है, मैं एक ही में दिखा रहा, पहले CH3 माइनस जुड़ा फिर MgBr, साइड में क्या लिखा है OC2H5, ठीक है OC2H5, बोलो सही है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, सेम कहानी होगी, OC2H5 is a good leaving group, कहेगा हम चले भैया, हम चले, नहीं समझे, पहले जाके ये जोड़ दिया MgBr और CH3 आके यहाँ, जैसे वहां पे पाई बॉन्ड C और N के बीच में था, C और O के बीच में, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस की कोई जरूरत नहीं है, इसने कहा हम चले बाहर, गुड लिविंग ग्रुप, हम निकल रहे OC2H5 माइनस, कार्बन ने कहा हमारा क्या होगा तीन ही बॉन्ड, तो अब की बार मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने कहा लो सर हमसे इलेक्ट्रॉन लो, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ निकल गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे कर गया, तो इसके ऊपर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इसके ऊपर माइनस, तो एक तो ये निकल गया, Mg के साथ Br जुड़ा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैग्नीशियम पे प्लस आया और ये इलेक्ट्रॉन लेके आया इस पे माइनस, OC2H5, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अच्छा अब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बना लिया, यहां कोई हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं, अटैच करो इधर से जो लगा है वो लीविंग ग्रुप बन के बाहर, MgBr अपना इलेक्ट्रॉन देकर बाहर, नोट करें, नोट करें, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे वहां सी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक था, यहां सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक है, यहां हाइड्रोलिसिस की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, ओ सी टू एच फाइव बाहर निकला है ना, सी टू एच फाइव ओ माइनस ये बाहर निकला, ये बाहर निकलेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, तो मैग्नीशियम ने कहा हमसे इलेक्ट्रॉन लो, एमजी प्लस बन के निकलेंगे, एमजी प्लस इसको जोड़ लेगा और वो इलेक्ट्रॉन आके यहां डबल बॉन्ड, नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब तक आ गया होगा आपको, मैं क्या करता हूं देखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ये होता है एल्काइल, ये होता है एल्केनोएट, एल्काइल हमेशा जो ओ से जुड़ा होता है उसी को एल्काइल, तो ये हो गया इथाइल, जो ओ से जुड़ा है वही एल्काइल होगा, बड़ा छोटा नहीं देखना, ये एल्काइल और ये एल्केनोएट, ये अलग हो, जो ओ से जुड़ा हुआ एल्काइल और इधर वाला एल्केनोएट, एक कार्बन है तो मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, या इसको एग्जाम में इथाइल, इसको फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड का पार्ट है ना, तो इथाइल फॉर्मेट, अब उठा लो जो भी ग्रिग्नार्ड रिजिड आपका मन हो, जो भी मन हो, ये उठा लेता हूं, चलो इस बार C2H5MgI ड्राई ईथर, जरा ट्राई करो एक बार खुद से, ट्राई करो आसान है, कर ले जाओगे आप, पक्का कर ले जाओगे, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा यहां माइनस प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा यहां प्लस यहां माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में एच सी, सी पे प्लस कौन जुड़ जाएगा C2H5,
इस तरफ क्या है OC2H5, इससे कौन जुड़ जाएगा MgI, Br क्या है आई, पहले ये जाके अटैच होगा फिर ये आके अटैच होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप ये यहां से बाहर निकलेगा, कार्बन को प्रॉब्लम होगी, मैग्नीशियम कहेगा हमारे इलेक्ट्रॉन रख लो और मैग्नीशियम प्लस के फॉर्म में बाहर। तो Mg के साथ आई तो लगा है और प्लस आया तो इससे जुड़ गया इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड और यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही HC डबल बॉन्ड OC2H5, तीन कार्बन का एल्डिहाइड है ये, प्रोपेन एल्डिहाइड या प्रोपेनल बोल दो, तीन कार्बन है एक दो तीन प्रोपेनल आ गया। कोई दिक्कत पॉज करके नोट करें। चलिए जरा बताइए इसके प्रोडक्ट, मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, एक आप ले लो CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H5 प्लस C6H5 MgBr ड्राई ईथर, और एक आप ले लो HC डबल बॉन्ड OOCH3 प्लस C6H5 MgI ओवर ड्राई ईथर। चलो पॉज करके इसका आंसर बताओ, टेक 5 मिनट्स एंड राइट योर आंसर्स। चलिए 5 मिनट के लिए पॉज करके खुद से दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एकदम ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा, आई होप आपने पॉज किया होगा। ये यहां मूव करेगा माइनस प्लस, यहां से उल्टा प्लस माइनस, CH3CO- पे जुड़ेगा MgBr, C प्लस से जुड़ जाएगा C6H5, यहां लिखा है OC2H5, बोलो सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में OC2H5 यहां से बाहर निकलेगा, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये बाहर निकलेगा, इस पे प्लस निकला MgBrOC2H5 और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OC6H5, ये बेंजीन है तो क्या बन गया एसीटोफिनोल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, क्लियर है, ये बेंजीन की रिंग है यार एसीटोफिनोल। यहां पे क्या होगा, ये यहां पे जाएगा माइनस प्लस, यहां से टूटा प्लस माइनस, HCO पे माइनस है उससे जुड़ गया MgI, C पे प्लस है उससे जुड़ गया C6H5, यहां लगा OCH3। नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा, अच्छा OCH3 इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता जितना अच्छा OC2H5 है, ये याद रखना। खैर ये निकला, कार्बन की वैलेंसी कम पड़ी, इलेक्ट्रॉन इधर से आए, तो MgIOCH3 मिथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ये इथॉक्सी था ये मिथॉक्सी, क्या बना HC डबल बॉन्ड OC6H5 बेंजल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है कि नहीं, बेंजीन की रिंग CH बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये मेथड आ गए होंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लेके आएंगे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे मेथड लाएंगे जिससे कीटोन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड नेम रिएक्शन होंगे, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन होंगे, स्टीफंस रिएक्शन आपको हम कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।